एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ आ गई हूँ एक न्यू ब्लॉग लेके। तो आज मैं आई हूँ माता रानी जी के दर्शन करने वैष्णो देवी टेम्पल। तो आप भी आइए मेरे साथ और माता रानी जी के दर्शन कीजिए। तो अभी हम होटल से निकल रहे हैं, मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ एंड हमने तो सोचा है कि हम पैदल ही जाएंगे, बट पता नहीं कहाँ तक जा पाएंगे। अगर माता रानी जी की कृपा होगी तो अवश्य जा पाएंगे। तो चलिए अभी तो पैदल चलना हम शुरू करेंगे और आप भी मेरे साथ बोलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। प्रेम से बोले जय माता दी, प्यार से बोले जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सो फ्रेंड्स, आप ये जो रास्ता देख सकते हैं, हमें ये पूरा रास्ता कवर करना है एंड इसके पीछे भी और भी रास्ते हैं जो तो दिख रहा नहीं है, बट वो भी हमें कवर करना है। तो अभी तो बहुत सारा रास्ता है और इतना सारा रास्ता कवर करने के लिए हमें चाहिए होगा बहुत सारी एनर्जी। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं पेट पूजा करने। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं इसमें श्राइन बोर्ड का एक बहुत बड़ा फॉल्ट बताऊँगी। तो उस फॉल्ट को जानने के लिए आपको ये फुल वीडियो वॉच करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सीनरी है ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एक्चुअली मुझे ना माउंटेन साइज बहुत अच्छे लगते हैं। मैं इससे पहले भी एक बार कश्मीर आई थी व्हेन आई वाज लिटिल, तो मुझे याद है थोड़ा थोड़ा कि वहाँ पे स्नो कवर्ड माउंटेन्स थे एंड स्नोफॉल्स थे, इट वाज रियली ब्यूटीफुल। तो यहाँ से हम ले रहे हैं RTC कार्ड, हम जाएंगे न्यू रास्ते से जो टाराकोटा से है। तो फ्रेंड अल्टीमेट हम लोग माता रानी को दर्शन के लिए रवाना हो गई है। जस्ट अभी स्टार्ट किया है, बहुत धूप है, फिर भी मैं माता रानी को दर्शन करके रहूंगी। आप लोग भी प्यार से बोलिए जय माता दी। तो फ्रेंड्स, हमने जय माता दी करके चलना स्टार्ट कर दिया है एंड हमें अभी बहुत सारा रास्ता कवर करना है। मैंने पापा से पूछा था, उन्होंने बोला कि हमें अबाउट 4 to 5 hours तो लग ही जाएंगे चलते चलते। तो अभी मैं सोच रही हूँ ये कुछ ज़्यादा ही टाइम नहीं लग जाएगा, बट कोई बात नहीं, जय माता दी करके हम चलेंगे बहुत सारी एनर्जी के साथ। हमारे साथ हमारा लगेज भी जा रहा है क्योंकि हम अर्धकुंवारी पे स्टे करेंगे, तो इसीलिए लगेज तो लेके जाना पड़ेगा। मैंने पहले कोशिश किया था सूटकेस लेने के लिए, बट ये सूटकेस तो मुझसे भी ज़्यादा भारी है। तो मैंने एंड तक पापा को ही पकड़ा दे कि आप ही लो भाई, बहुत भारी है। तो यहाँ पे ये लोग स्टार्टिंग के मार्ग पे ढोल बजा के स्वागत करते हैं और इनको दान देना होता है क्योंकि ये शुभ होता है, किसी मार्ग पे जाने से पहले दान देना शुभ होता है। तो हम भी ये शुभ काम कर रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी। तो आप देख सकते हैं ये जो व्यू है ये कितना ज़्यादा सुंदर है। आई मीन मुझे तो लग ही नहीं रहा कि ये एक्चुअली मैं आंखों से देख रही हूँ, मुझे तो लग रहा है मैं गूगल पे कोई पिक्चर सर्च करके देख रही हूँ। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो नेचर है वो कितना ब्यूटीफुल है, लेकिन हम इसी नेचर को डिफॉरेस्टेशन करके पोल्यूशन करके वेस्ट करते हैं। वाई, आप देख सकते हैं ये नेचर कितना सुंदर है। जब हम नेचर के पास आते हैं हमें कितना काम, कितना रिलैक्स्ड फील होता है। भाई आपका तो नहीं पता, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे किसी भी नेचर से रिलेटेड जगह घूमने जाना ना बहुत अच्छा लगता है। आई फील रियली रिलैक्स, तब ना मुझे किसी और चीज़ की टेंशन नहीं होती। तो इतना सुंदर सीनरी को हम क्यों नहीं बचाते, तो आप भी सोचिए ना। सो एनीवे, अभी थोड़ा सीनरी से हटके मेन बात ये है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आई मीन हमने सिर्फ आधे घंटे का रास्ता कवर किया है एंड मेरी तो हालत ख़राब हो गई है। मैं 5-6 घंटे कहाँ से चलूँगी, और पापा तो थोड़ा थक ही गए हैं, वो तो सूटकेस लेके जा रहे थे, बट मुझसे ज़्यादा तो मेरी नानी में है, वो तो दिख भी नहीं रही, वो कहाँ आगे रास्ते में चली गई। फ्रेंड देख लीजिए, ये जो मेरी छोटा सा बच्चा है ना, ये छोटा सा बच्चा थक गए है। मैं अभी तक नहीं थकी लेकिन मेरा छोटा सा बच्चा थक गए है। सो फ्रेंड्स, हम अभी तक अर्धकुमारी नहीं पहुंचे जो कि आधा रास्ता है। हम अभी सिर्फ हमने ताराकोटा से 4 किलोमीटर चले हैं एंड अभी भी 3 किलोमीटर बचे हैं। मैं तो बस 5 मिनट बाद बाद जाके बैठ रही हूँ, मेरी तो हालत बहुत ख़राब हो गई है, लेकिन स्टिल जय माता दी करके हम पूरा जाएंगे। तो आप भी मेरे साथ बोलिए जय माता दी। तो अभी हमने बहुत सारा रास्ता कवर कर लिया है, वैसे बहुत सारा तो नहीं, पापा तो मुझे तब से कह रहे हैं कि बहुत सारा हो गया है, बट मुझे लग नहीं रहा कि वो सही कह रहे हैं। तो बीच में बर्गर किंग भी आया था, वहाँ पे भी हमने थोड़ा रेस्ट लिया, बट तब ज़्यादा भूख नहीं लगी थी तो मैंने तब कुछ खाया नहीं। बट यहाँ पे एक कैफ़े था तो अब मुझे लग रही है भूख, तो अब मैं इस कैफ़े में खाऊंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लोग चल नहीं पाते, जो थोड़े ओल्ड पीपल होते हैं और स्पेशली डिसेबल्ड, उनको पालकी पे लेके जाते हैं, वो आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे बच्चों के लिए पैरम्बुलेटर भी होता है चलने के लिए, बट हम तो वॉक करके ही जाएंगे।
तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सुंदर व्यू है। एंड एक बात तो है, यहाँ से जो ये घर वगैरह है ना, बिल्डिंग्स एंड रोड्स एंड एवरीथिंग, ये कितने छोटे छोटे टाइनी टाइनी मॉडल जैसे लग रहे हैं, मुझे बहुत क्यूट क्यूट से लग रहे हैं। तो भाई अभी तो ये आधा ही रास्ता है, जब हम एकदम ऊपर जाएंगे तब तो भाई मुझे लगता है ये दिखेंगे भी नहीं। तो बहुत सारा चलने के बाद हम आखिरकार पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी पे, यहाँ पे हम नाइट स्टे करेंगे एंड फिर कल सुबह हम माता के दर्शन के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमें टिकट मिल जाती है अर्धकुंवारी के माता की दर्शन के लिए, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, क्योंकि अगर जो टनल है यहाँ पे एक केव के अंदर मंदिर है, तो वो टनल बहुत ज़्यादा नैरो है, थोड़ा सा यू नो रॉकी एंड शॉर्ट ऑफ है, तो इसीलिए यहाँ पे टाइम लगता है। जब एक एक ग्रुप करके जाते हैं 3-4 घंटे एक ही ग्रुप को लग जाते हैं और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो लेट्स सी अगर हमें मिलता है नहीं। यहाँ पे अभी हमने ऑनलाइन होटल बुक करवाया था तो पापा वहाँ के स्लिप लेके आ गए, हम जाएंगे। तो हाँ, मेन बात जो श्राइन बोर्ड का बहुत बड़ा फॉल्ट है वो है कि देखो यहाँ पे सिर्फ कुछ ही गवर्नमेंट रेस्ट रूम्स है, मीन होटल्स है, और जिनको ऑनलाइन प्री बुक करके रखना पड़ता है, और ऑनलाइन भी उनकी टिकट बहुत मुश्किल से मिलती है। हमने 3-4 महीने से ट्राई किया था तब जाके हमें आज की एक दिन की टिकट मिली है। एंड यहाँ पे बहुत लोग आते हैं जो सिर्फ यहाँ पे जो लॉन जैसा है यहीं पे रुकते हैं, एंड क्योंकि ये माउंटेन साइड है, एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है रात को, तो इनके लिए यहाँ पे एक शेड बनाना चाहिए जो कि इन्होंने नहीं बनाया है। और एक और फॉल्ट है, यहाँ पे ये लोग रात को कंबल देते हैं, वो 2000 रुपये रखते हैं, फिर कंबल देते हैं, फिर जब हम कंबल वापस करते हैं वो पैसे वापस दे देते हैं। बट ये बहुत बार होता है कि ये लोग क्या करते हैं, वो कंबल को खुद के ही लोगों के द्वारा चुरा लेते हैं एंड फिर हमें फाइन भरना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉल्ट्स है जो कि श्राइन बोर्ड को ठीक करना चाहिए। एंड एनी वे गाइज, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अभी तो मैं सिर्फ अर्धकुंवारी तक आई हूँ, आपको तो मेरे साथ फुल ब्लॉग देखना है, उसके लिए तो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग भी वॉच करना पड़ेगा जिसमें मैं माता के दर्शन करवाऊँगी आप सबको। बट हाँ, मेरा ये ब्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मैंने बहुत सारे नेचर के क्लिप्स लिए थे जो कि मैं अभी डाल रही हूँ, आप प्लीज़ इनको म्यूज़िक के साथ इन्जॉय कीजिए अगर आपको करना है, क्योंकि मुझे तो ये बहुत स्मूदिंग लगता है, आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड फिर हम मिलेंगे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।